औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मुराद निशा। मैं अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम देखने का, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बनाएंगे प्याज और टमाटर की सब्ज़ी। ये टमाटर है, इस तरीके से बड़े साइज में काट देना, और ये प्याज है, इसको भी इस तरीके से काट देना बड़े पत्ते में, और ये बाकी मसाले, मिर्ची पाउडर, कुटी मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लहसुन अदरक, हरा धनिया, नमक, इन सब मसालों को मिलाते हैं, प्याज टमाटर की सब्जी बनाते हैं। दिखाते हैं आप जी। हमने घी रखा हुआ था, गर्म हो गया, डालते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज टमाटर की सब्जी बन रही है भाई, और उसमें इस तरीके से प्याज काटा जाता है, उसको पागल पकाएंगे नहीं ज़्यादा। पकाते हैं इसको। ये प्याज हो गए, टेम्परेट आते हैं, लहसुन अदरक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालते हैं टमाटर, हरी मिर्ची, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर को भी साथ में पकाएंगे, ढक्कन बिल्कुल नहीं रखेंगे, और नमक भी बाद में डालेंगे। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह प्याज टमाटर पक गए, इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है, बस इस साइज को रखना है, देखें, ताकि प्याज और टमाटर साफ नज़र आ जाए इसमें। इस टाइम पर डालेंगे हल्के हल्के मसाले, हल्दी पाउडर एक चुटकी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिर्ची पाउडर एक चुटकी, कुटी मिर्ची एक चुटकी, गरम मसाला आधे चम्मच से कम, नमक आधे का, धनिया पाउडर एक चुटकी मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजे कोल का सब पकाएंगे, साथ में डालेंगे हरा धनिया। चूल्हा कम करेंगे और तकरीबन 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। जी अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर प्याज पक गए, 2-3 मिनट हमने मसालों में इसकी भुनाई की। अभी करते हैं डिश आउट इसको। जो डालते हैं प्लेट में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
टेम्पल का सा धनिया डाल दें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रखेंगे कीरा, टमाटर, रखेंगे टमाटर वाला फूल, अल्हम्दुलिल्लाह प्याज टमाटर की सब्जी बन गई। आप भी बने इसी तरीके से, ऐसे ही मसालों में, इंशाल्लाह आपका प्याज टमाटर की सब्जी लाजवाब होगी। अल्लाह आपका नसीब करे प्रोग्राम देखने का। शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का टाइम यही तक था, अभी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोस का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें, और हमें अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।